इधर आके खोलो कुलसुम बाबू जी, कुलसुम बाबू जी। कुलसुम नवाज बाऊ जी को तनहा छोड़ गईं। नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसुम नवाज 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। कुलसुम नवाज तवील अरसे से कैंसर के मर्ज में लंदन के अस्पताल में जेर इलाज थीं। गुज़श्ता रात तबीयत खराब होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था। बेगम कुलसुम नवाज की मैयत लाहौर लाई जाएगी, तदफीन जाति उमरा में होगी। शहबाज शरीफ जस्दे खाकी लेने के लिए बरतानिया जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने 3 रोज के लिए तमाम सियासी सरगर्मियां मनसूख कर दी। वजीर आजम की मैयत लाने के लिए बरतानवी हाई कमीशन को तआवुन की हिदायत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर को 12 घंटे की पेरोल रिहाई की इजाजत के बाद लाहौर पहुंच गए। तीनों कैदी सिर्फ जाति उमरा तक महदूद रहेंगे। शहबाज शरीफ ने महकमा दाखिला पंजाब को 5 दिन की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी। बेगम कुलसुम नवाज 1950 में लाहौर में पैदा हुई। बेगम कुलसुम नवाज का पाकिस्तानी सियासत में अहम किरदार रहा। बेगम कुलसुम नवाज 3 बार खातून अव्वल पाकिस्तान बनी। 1999 से 2002 तक मुस्लिम लीग नून की सदर रहीं। सूबाई और कौमी असम्बली की रुकन भी मुंतखब हुई। शहबाज शरीफ का अपनी भाभी की वफात पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून बोले, कुलसुम नवाज की वफात से एक अहद का खात्मा हो गया। नून लीग और जमहूरियत कुलसुम नवाज की कर्जदार रहेंगी। पहली दस्तयाब फ्लाइट से लंदन जाऊंगा। और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा की गमजदा खानदान से दिली हमदर्दी। आसिफ अली जरदारी समेत दीगर अहम शख्सियात का भी दुख का इजहार। वकला बरादरी भी शरीफ खानदान के गम में शरीक।